आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नानी कहो कहानी। नानी जी, मैं क्रिस के साथ नहीं खेलूंगी, प्रशा ने उदास स्वर में कहा। क्यों, क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। वह सबको गालियां दे रहा था। मैंने उसे समझाया तो उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। यह देखो, मेरा घुटना छिल गया है। प्रशा ने नानी को घुटना दिखाया। नानी जी, प्रशा ठीक कहती है, क्रिस आंसू से झगड़ रहा था। मैंने उसे समझाया तो उसने मुझे भी थप्पड़ मार दिया, प्रियांशु ने कहा। प्रिशा और प्रियांशु, कुछ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी समझाओ तो वे उल्टे झगड़ने लगते हैं। जानते हो, एक बार बया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, नानी ने कहा। प्रिशा और प्रियांशु ने एक साथ पूछा, बया के साथ ऐसा क्या हुआ था? अच्छा चलो, तुम्हें बया की कहानी सुनाती हूँ, नानी बोली। एक जंगल था, उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। वहां एक शरारती बंदर भी रहता था। वह शरारते करके उछलकर भाग जाया करता था। सबने उसका नाम उछलू बंदर रख दिया था। वह हाथी के सिर पर थप्पड़ मारकर पेड़ पर चढ़ जाता था। वह आराम कर रहे बाघ की पूंछ खींचकर भाग जाता था। वह खरगोश से कान खींच लेता था। सारा जंगल उससे परेशान था। सबने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। एक बार बहुत तेज वर्षा हुई, चारों ओर पानी ही पानी भर गया। सब अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए। उछलू ने अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान बनाया ही नहीं था। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और भीगता रहा। उसके पास ही बया का सुंदर घोंसला था। उछलू की हालत देखकर बया को उस पर दया आ गई। उसने कहा, उछलू भाई, यदि तुमने अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान बना लिया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। उछलू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, बया, माना कि तुम घोंसला बनाने में सबसे अच्छी हो, अपने इस घोंसले पर इतना घमंड मत करो। इतना कहकर उसने एक झटके में उसका घोंसला तोड़ डाला। बया और उसके बच्चे पेड़ के नीचे गिर गए थे। वे बुरी तरह से भीग गए थे। उसी पेड़ पर कौवा भी रहता था। उसने बया को पेड़ में कोटर के बारे में बताया। बया अपने बच्चों के साथ कोटर में बैठ गई और भीगने से बच गई। नानी जी, उछलू तो बहुत खराब बंदर था, प्रिशा ने कहा। प्रिशा और प्रियांशु, उसे ही समझाना चाहिए जो समझना चाहता है। मूर्ख को समझाने पर अपनी ही हानि होती है। बया ने यही भूल की थी, नानी ने समझाते हुए कहा। हम क्रिस से दूर ही रहा करेंगे, दोनों ने कहा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खों से हमें दूर ही रहना चाहिए, उसे ही समझाना चाहिए जो समझना चाहते हैं। मूर्ख को समझाने पर अपनी ही हानि होती है।